हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वी शेप अंडरवियर कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसका नाप इस प्रकार है। लेंथ ऑफ अंडरवियर 8 इंच, हिप्स 24 इंच और वेस्ट 22 इंच। तो सबसे पहले ये मेरा रिमेनिंग फैब्रिक है, लेकिन इस अंडरवियर को बनाने के लिए फैब्रिक हमें चाहिए होता है डबल ऑफ लेंथ प्लस 2 इंच। यानी कि एग्जाम्पल है हमारा, अगर हमारी अंडरवेयर 12 इंच लंबी है तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 28 इंच। अब ये अंडरवेयर मैं रिमेनिंग फैब्रिक से बना रही हूँ, तो सबसे पहले हम 8 प्लस 2 यानी कि 10 और उसका डबल 20 इंच फैब्रिक कट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको ऐसे और ऐसे 4 लेयर्स में फोल्ड करेंगे। ऑपोजिट साइड में फोल्ड करेंगे, रॉन्ग साइड में। और ऐसे हमारा ये फैब्रिक फोल्ड होना चाहिए, जितने हमारे हिप्स हैं उसका 1/4 प्लस 2 इंच। हिप है हमारे 24, उसका 1/4 हो जाएगा 6 प्लस 2 आ जाएगा 8 इंच। तो मैं इस फैब्रिक को ऐसे 8 इंच तक फोल्ड करूंगी। अब यहां से हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। उसके बाद ये हमारा फोल्डेड साइड है, इसको हम बॉटम रखेंगे और अपर साइड से हम 2 इंच के मार्क लगाएंगे, जो हमारी कॉर्ड इंसर्शन या इलास्टिक इंसर्शन के लिए होगा। आप चाहो तो इसको ऐसे पिनअप भी कर सकते हो। मैं इसको पिनअप करके नेक्स्ट प्रोसीड करती हूं। अब हम ओपन साइड से टॉप से 2.5 इंच का एक मार्क लगाएंगे और इधर से ये हमारा क्लोज साइड है, यहां से भी हम 2.5 इंच का मार्क लगाएंगे। इसमें हमारी 2 इंच बीच में रहेगा और 1/2 इंच हम सिलाई मार्जिन ले रहे हैं। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से कर्व मैनर में मिलाएंगे। और पहले इस मार्क की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इस पिंस को सेपरेट करेंगे और इसको ओपन करके ऐसे इस प्रकार से दोबारा फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा बैक पीस बन जाएगा और इसमें हम डीप कर्विंग करके फ्रंट पीस बनाएंगे। अब हम इस कर्व की कटिंग कर देंगे। ये डीप कर्विंग 1/2 इंच से 1 इंच के बीच में
होती है। अब मैं इसको दोबारा से ऐसे ओपन करके और ऐसे फोल्ड करके आपको चेकआउट कराती हूँ। तो ये हमारी अंडरवियर की कटिंग हो गई है। ये हमारा फ्रंट पीस है दोनों साइड का, और ये बैक साइड हमारी बैक पीस है। इसके लिए अब हम स्टिचिंग में सबसे पहले 1.5 इंच की ओरेप पट्टी काटेंगे, और वो हम पहले इसके इस थाई पोर्शन में स्टिच करेंगे। हमने ओरेप पट्टी राइट टू राइट मैच करके इसके थाई पोर्शन में स्टिच कर दिया है। अब हम इसमें स्मॉल कट्स लगाएंगे, जैसे हम बैक नेक में लगाते हैं, इस प्रकार से। और इस पट्टी को ऐसे लेकर के इस प्रकार से पहले यहां स्टिचिंग देंगे, और उसके बाद हम इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ भी एक परमानेंट स्टिच करते हैं। ये मैं कट्स लगा करके आपको ये स्टिच करना बताती हूँ। ये बीच का पोर्शन मैक्सिमम हम 4 इंच रखते हैं, उससे कम लेना है अगर आपने इस तरह की अंडरवियर बनानी है। अब हम दोनों साइड की स्टिचिंग कर देंगे राइट टू राइट मैच करके। दोनों साइड स्टिचिंग करने के बाद हम अंडरवेयर को राइट साइड में लेके आते हैं। उसके बाद हम टॉप से 2 इंच की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारी कॉर्ड इंसर्शन की लाइन है। उसके बाद हम इलास्टिक लेंगे अपनी वेस्ट से 3 to 4 इंच कम। वेस्ट है मेरी 22 इंच, तो मैंने ये इलास्टिक 19 इंच ली है। अब मैं इसको इस प्रकार बैंड बना करके यहाँ पर परमानेंट स्टिच करती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँगी। ये बैंड बनाने के बाद हम इसको इस प्रकार ओपन करेंगे और इस बैंड को इसके बीच में डालते हुए ऐसे इस लाइन तक इसको फोल्ड कर लेंगे 2 इंच तक, और इसको फोल्ड करके इसके
वेस्ट पार्ट में स्टिचिंग कर लेंगे। ये इलास्टिक डालनी मैंने आपको पहले ही बता रखी है। ये कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। ये हो गई हमारी तीसरी तरह की बेसिक अंडरवेयर तैयार। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।